से पता चलता है कि उसके घर में किसी को ब्रेन ट्यूमर है। ऐसी ही कहानी कुछ इन बाबा की है जिनको बहुत दिन के बाद ये पता चलता है कि इनके ब्रेन में जो गांठ है उसका ऑपरेशन कराना इनके लिए जरूरी है। और जब ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही ये बातचीत करने लगते हैं, अपने हाथ पैर उठाने लगते हैं, तब इनकी फैमिली वाले मुझसे आकर पूछते हैं, सर ये ऑपरेशन इतना आसान था क्या? और फिर मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूं और सोचता हूं, यार इनका ट्यूमर निकालने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी, कितना सारा खून बहा था, और मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद ये उठ ही ना पाए। लेकिन मैं इनको वो सब कुछ नहीं बताता, मैं इनको सिंपल बोलता हूँ, हाँ यार आसानी था ऑपरेशन। ऑपरेशन के अगले ही दिन ये वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे इनका कोई ऑपरेशन हुआ ही ना हो। उठकर बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर देता है। तो यार बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ट्यूमर हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप अपने डॉक्टर की सलाह मानो और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर एग्री करते हो तो लाइक करके बताना।